अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वीडियो उम्मीद के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। ये देखे माशाल्लाह और मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है, कैसे हैं, खैर वाफिया से वेलकम बैक हो गया आप लोगों का एक न्यू व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा फर्स्ट डे बैरिन में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी सो गए, चेहरा शक्ल वगैरह से भी आप लोगों को पता लगा, बच्चे बच्चे भी। तो अभी हमारा सीन है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सबसे पहले जा रहे हैं स्विमिंग पूल। ये उस बहरीन की सारी आई थिंक सो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सारी शायद यही है, इसके अलावा भी है, खैर मुझे नहीं पता खुलता पता नहीं कैसे है, देखता हूँ एक मिनट सो करो। ये खुलता है, ओ वाओ खुल के खुल के चलो चलो, ज्यादा ऊपर नहीं नीचे बस यही रहो जितना होगा, देखो ये वाओ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। किधर है वो वाली निशान के साथ, कहां है ये रही अपने क्रूजर, वाओ। लिफ्ट आ चुकी है, अभी हम लिफ्ट से जा रहे हैं स्विमिंग पूल के लिए, देख सकते हैं। ओके कार्ड लगाते हैं इसमें, ये लो गया कार्ड लगाना पड़ेगा बेटो, हो गया, वाओ गुड, कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें, नाइस। अच्छा इसका रूफ टॉप स्विमिंग पूल है माशाल्लाह, बाबा ठिट्टा मारो, हाँ जल्दी कर ले फिर हम जाते नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर क्या खूबसूरत माशाल्लाह वेदर हुआ पड़ा, आज आएंगे फिलहाल अब्दुल से तैयार हो गया आज है। चलो हम लोग निकलते हैं, यहाँ पर एक मार्केट है, हम वहाँ जा रहे हैं एक मार्केट में, बड़ा एवेन्यू मॉल है तो बहुत सुना हमने उसके बारे में कि बहरीन का बहुत खूबसूरत मॉल है, चलो चला चलते हैं एवेन्यू मॉल देखते हैं। आखिर गाड़ी भी स्टार्ट करते, गाड़ी भी करते जी, हम लोग ये है एवेन्यूज मॉल, इन लोगों का जैसे हमारे कतर में बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो अभी इसके अंदर हम इंटर कर रहे हैं, मेरे साथ बर्गा अब्दुल मईज खावला और ये मैं खुद, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखते हैं कैसा, आई होप इनका, मुझे लग रहा है कि इतनी तारीफ है इनके मॉल की तो कुछ डिफरेंट जरूर होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह नाइस यार, खूबसूरत है वाकई में, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा और वाला बहुत डिफरेंट है वाला, लिटरली कतर में हमारे विलेजियो मॉल है इस तरह का, तो ये इनका मॉल जो है तकरीबन उसकी तरह है लेकिन बहुत बड़ा साफ सुथरा खाली, ऐसे में रोजे की हालत में कोई आया हुआ नहीं है, हम भी घूम रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये रमजान का एक बनाया हुआ है माशाल्लाह छोटा सा, इफ्तारी का वक्त कुछ करीब है तो हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ पे कोई KFC का अदो बदल में कुछ चीज है तो मैंने कहा चलो यार इनसे ये डील लेते हैं रमजान की, क्योंकि KFC तो यार आपको पता है उनकी है इसराइल वालों की, सो फुल टोटली बाइकआउट चल रहे हैं, तो मैंने कहा ये रमजान इफ्तारी के अभी से सामान लेके हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और यार माशाल्लाह ये सिटिंग बनी है बहुत खूबसूरत, और ये ऊपर डोम बना हुआ इनका सही, और ये मेरा अब्दुल मईज तो बस यार क्योंकि कुछ टाइम ही रह गया तो मैंने कहा अभी इससे तैयारी कर ले हम, और बाकी अभी यहाँ से निकलेंगे एक और मार्केट में जाएंगे वहाँ इंशाल्लाह, वो भी बहुत खूबसूरत और हिस्टोरिकल मार्केट है, बहुत पुरानी वो डिजाइन की बनी है, वो भी दिखाएंगे बाकी बर्जा, ये बर्जा बर्जा। ये एवेन्यूज मॉल से ना निकलते हुए बड़ी खूबसूरती है, ये सामने इनका कॉर्नर का कुछ एरिया है बाहर है, और ये कुछ इनकी बिल्डिंग्स है, ओ भाई 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 ये मनामा इनका है, सो ये बहुत खूबसूरत व्यू है यार यहाँ का, उम्मत खड़ी हुई है, हम भी चलते हैं इस बहर को देख लेते हैं क्या है इसमें ऐसा। A few moments later का वक्त हो गया तो हम लोग गाड़ी के अंदर ही बिस्मिल्लाह इफ्तारी करने लगे हैं, चिप्स और ये हैं चिकन के पीसेस और ये हमारी ब्रेड,
अल्लाह। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब्बी ने जा रही है, हमने रास्ते में बहुत खूबसूरत मस्जिद देखी, बहुत बड़ी है, तो हमने कहा चलो मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ेंगे। लेकिन आ रहे चला यार, ये देखिए मेरे बच्चे कैसे सो रहे हैं, मैं रुका हूँ मार्केट में जाना है। देखिए ऐसे थके हुए जैसे सफर इन्होंने किया। लो खौला उठे, अदरवेज उठ जा बेटे, उठ जा बच्चा, उठ जाए। हम लोग देखिए माशाल्लाह मार्केट में आए, देखिए पूरी माशाल्लाह जो है ना मेरी ट्रॉली भर गई हुई है माशाल्लाह फुल सामान से। ये इस सूक की जो एंट्रेंस है बाहर से इसे कहते हैं बाबुल बहरीन। सो यहाँ पे उम्मत वगैरह आ रही है, अभी हम जाते हैं इसके मेन रोड पे। मार्केट आया फुल, देखे ऐसे लोकल जैसे पाकिस्तान में या मिस्र में कोई इस तरह की मार्केट हो, बिल्कुल उस तरह की मार्केट लग रही है। अभी इसके और आगे जाएंगे, ये ट्रेडिशनल मार्केट है, इनकी बहुत पुरानी माशाल्लाह। इस सूक की जो मेन एंट्रेंस है ये हमारी तरह कतर में सूक वाकिफ है, बिल्कुल उसकी तरह है। अभी आगे आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिये माशाल्लाह माशाल्लाह, अतरों की दुकान में नहीं जा रहा क्योंकि अतरों की दुकान में जाता फंस जाता, मुश्किल मसला हो जाता है यार। बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक तो ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वीडियो, उम्मीद के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस अभी हम नीचे कुछ खाने जा रहे हैं, ये बाबा के मोबाइल से ना मैं व्लॉग बना रहा हूं, फिर ना हम कुछ नीचे खाने जा रहे हैं, हम खाना खा के मिलेंगे। गाइस वो ना मैंने आपको कहा था ना हम वो नमाज पढ़ के कतर में बोला था ना, इसलिए मैं दोबारा व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि ना हम सफर में चले गए थे, इसलिए। हम लोग घर आ चुके हैं और माशाल्लाह बहुत घूमे थक गए, काफ़ी ज़्यादा वाला थक गए। अच्छा आप लोगों को बताता हूँ, मैंने अभी ये क्लिप जो जोड़ा है पीछे जिसमें ये आपने ऑफिस देखे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सीन हुआ है कि हम सूक में घूम रहे थे, वो जो लाइट वाली सूक थी ना वहाँ घूम रहे थे, तो वहाँ पर एक कम्पटिशन चल रहा था, तो हम लोग उस कम्पटिशन में गए, तो वहाँ पर ना कुरान के दो सवाल थे, तो मेरी वाइफ ने दोनों सवाल परफेक्ट उसके आंसर कर दिए, तो हमें भाई 5 दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन थाईलैंड का टूर मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बच्चों के गिफ्ट झूले वगैरह हमें मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह माशाल्लाह बहरीन आके ये फ्री का माशाल्लाह अच्छा सा एक पैकेज भी मिल गया, मेरे हिसाब से बेहतर हो गया जी। गुड और अब्दुल रमीज को ये मिला है तमगा इम्तियाज के नंबर 1, वेरी गुड, बहुत बेटे। तो बस यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग व्लॉग यार, अल्लाह इंशाल्लाह आई होप कि बहुत अच्छा बना होगा। बाकी ख्याल रखें, बहुत सारा आज हमारी वापसी है इंशाल्लाह कतर के लिए, तो स्टे ट्यून इंशाल्लाह अज़ वजल, और अपडेट भी आप लोग देखें, तब तक ख्याल रखें, बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।